आज माननीय सांसद महोदय का न्यायिक हिरासत में 14 दिन पूरा हो गया है। न्याय पे पूरा भरोसा है, हमारे जो कोर्ट हैं आदरणीय कोर्ट उन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनके ऊपर जो धारा लगा है वो अवेलेबल सेक्शन है। और 14 दिन आज पूरा होने के बाद हमें उम्मीद है कोर्ट पर कि आज उनको बिल मिल जाना चाहिए। सबसे पहले मैं मनन मिश्रा जी का, जो चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, उनका मैं दिल से नमन करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वो आगे आए और पप्पू, माननीय पप्पू यादव जी के लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद उनका केस लड़ना चाहता हूं इस मुद्दे पे। और उन्होंने 24 तारीख को फाइल भी किया है मेल के थ्रू और वो एक्सेप्ट भी हो गया है। अब ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि माननीय सांसद महोदय को रखती है या आजाद करती है। मैं कोर्ट महोदय से अपील भी करता हूं कि बीमार रहते हैं, किडनी में स्टोन है 8.9 mm का लेफ्ट साइड में, लीवर में इंफेक्शन है, गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो इन सबको देखते हुए, उनको सेहत को, उनके हेल्थ को देखते हुए अविलंब रिहा करें, बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। अरे सर बताइए कि लगातार ये जो पप्पू यादव हैं वो लगातार गरीबों के बीच में जाके, चाहे वो बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदा हो, अभी लॉकडाउन की अवधि चल रही है, इसमें लोगों के बीच में जाके ये कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार उन्हें गिरफ्तार किया, इसके पीछे क्या राजनीति मंशा लगती है? जी देखिए, वो कंटिन्यू वो गरीबों की मदद कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, जिनको दवा की ज़रूरत थी दवा पहुंचा रहे थे, हत्ता के प्राइवेट नर्सिंग होम जो जनता को लूट रही थी वहां पर भी पहुंच करके अंकुश लगा रहे थे। या और एक जो एम्बुलेंस चुरा के घरों में रखे हुए थे उसका भी पर्दाफाश कर रहे थे, यानी भ्रष्टाचार का वो पर्दाफाश करते जा रहे थे। बिहार सरकार को लगा कि अब वो किसी हाल में अस्थिर नहीं रह पाएंगे, अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे, जनता रोड पे आ जाएगी, इसीलिए माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, ताकि ये जो भ्रष्टाचार खुल के आ रहा है उस पर अंकुश लग सके, उसको दबाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, अभी सरकार को कोरोना से लड़ने का समय था, जो सरकार की मदद कर रहा था उसको अरेस्ट करने का वक्त नहीं था। मैं नीतीश चाचा से ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप वो माननीय पप्पू यादव जी से नहीं लड़ें, आप जो सरकार की जो रणनीति है कोरोना से लड़ने के लिए, जो लोगों को कोरोना हो रहा है उसको बचाने की कोशिश करें। कोरोना योद्धा की तरह, जिस तरह पप्पू यादव काम कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने पप्पू यादव से लड़ाई शुरू कर दी, ये गलत है, ये निंदनीय है। सरकार से मैं नीतीश चाचा से ये कहना चाहता हूँ कि वो पप्पू यादव से नहीं लड़े बल्कि कोरोना से लड़े। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि एक नया ये शुरू हो गया है, ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस, उससे लड़ने वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये होगा क्या। उससे लड़ने के लिए अपने डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स काम करना चाह रहे हैं उसकी टीम बना के तैयार रखें, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद बाढ़ आने वाला, उस पर तैयारी करने की ज़रूरत है। आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं पप्पू यादव को दबाने की, चाहे राजनीति माहौल की वजह से हो या आपको अपनी कुर्सी बजाने की वजह से हो। मैं निवेदन करता हूँ कि अब उनको अविलंब किया जाए, वरना सरकार के खिलाफ जनता पार्टी लोकतांत्रिक जो है उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध है। क्या आप आश्वस्त हैं कि पप्पू यादव को बेल मिल ही जाएगा? देखिए, कानून सर्वप्रिय है, हम लोग मानते हैं कि कानून का जो फैसला होगा वो सर्वप्रिय है और हम लोग उसको किसी भी हाल में मानेंगे। कानून कोर्ट के फैसले आने के बाद हमारी पार्टी फिर आगे रणनीति क्या होगी उस पर हम लोग विचार विमर्श। लगातार आप लोगों के बीच में जाके लॉकडाउन की अवधि में भोजन वितरण कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा और लोगों को इससे कब तक फायदा होता रहेगा? सर, जब तक लॉकडाउन रहेगा, अनावर्त ये लॉकडाउन पप्पू यादव जी के निर्देश पर जो हम लोगों ने किया है, सेवा दल बना, ये उन्होंने बनाया बिहार के अंदर मेरठ जिला में, हम लोग अनावर्त जब तक लॉकडाउन है, गरीबों को, मुसाफिर को, हॉस्पिटल में रहने वाले जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको खाना और पानी पहुंचाने का काम कर